Hello and welcome friends. My name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम Libre database पे काम कर सकते हैं. तो यहाँ पर Libre Office आप download कर सकते हैं. मेरे पास 6.3 version है. आप net से इसको free में download कर सकते हैं. Open source software है. ठीक है. अब इस पे double click करते हैं. तो इसमें कई सारे software, यानी कि MS Word वाला जो आप use करते हैं आमतौर पे, उसको Writer कहते हैं इसमें, और Excel को Calc कहते हैं, और PowerPoint को Impress कहते हैं. अब बात कर लेते हैं MS Access की. तो ये है डेटाबेस, यानी बेस डेटाबेस. इस पे क्लिक करते हैं, हमें इसी को यूज करना है. कैसे यूज करेंगे, यहां पर देखिए ये बॉक्स डिस्प्ले हुआ है. इसमें ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. अगर आपको न्यू डेटाबेस बनाना है तो यहां से ले सकते हैं. ओपन एन एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास कोई पहले से मौजूद डेटाबेस है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास इतने सारे मौजूद हैं, तो आप इसमें से भी ले सकते हैं. ठीक है, या फिर ये कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं. यहां देखिए तमाम डेटाबेस को सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे. अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर पहले से चला रखा है जिसमें कुछ फाइल्स बनाई हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं माइक्रोसॉफ्ट 2007 चला चुका हूं, ठीक है, एसक्यूएल चला चुका हूं, MySQL, तो इसमें से अगर कोई डेटाबेस हमारे पास पहले से मौजूद होगा तो वो हम ले सकते हैं. ठीक है, फिलहाल हमें इनमें से कोई नहीं लेना है क्योंकि मैं आपको न्यू क्रिएट करके दिखाने वाला हूं. तो यहां न्यू पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए. यहां पूछ रहा है यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, नहीं मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता हूं. नो पे क्लिक कर देते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं. ठीक है, और ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट न्यू डेटाबेस 12 के नाम से सेव करना है इसको. आप चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं. मैं यहां नाम चेंज कर देता हूं, अपने नाम से रख देता हूं. ठीक है, एंटर प्रेस किया हमने, तो ये इस तरह का कुछ सीन हमारे सामने क्रिएट होगा. इसके बाद क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है आपको. ऐसा कुछ सिनेरियो आएगा आपके सामने. अब आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, यानी रोल नंबर भी दे सकते हैं आप या स्टूडेंट आईडी भी दे सकते हैं. तो मैं यहां स्टूडेंट आईडी ही दे देता हूं. और यहां आ रहा है डेटा टाइप. देखिए जितने डेटा टाइप आपको दिखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में या एसक्यूएल में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जितने डेटा टाइप आपको दिखे होंगे उससे कहीं ज्यादा डेटा टाइप इसमें आपको दिखेंगे. देखिए यहां पे देख सकते हैं आप, मैं यहां पे स्टूडेंट की जो आईडी है इसका डेटा टाइप क्या रखने वाला हूं, इसका डेटा टाइप मैं रखूंगा इंटीजर. ठीक है, मैं यहां पे वेरिएबल कैरेक्टर नहीं रखूंगा, इंटीजर रखूंगा. तो यहां पे देखिए इंटीजर ये दिया हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा. इंटीजर या तो प्लस या तो माइनस में वैल्यू को होल्ड करता है. ठीक है, अब इसमें हम ऑटो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम यस कर देंगे, ये खुद से वैल्यूज देगा. ठीक है, लेंथ इसकी क्या है 10 तक है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ता हूं. ठीक है, इसके बाद हम ये जो प्राइमरी की है इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे. तो इस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे. ठीक है, इसको सेव करना है टेबल वन के नाम से, ये आ रहा है. ठीक है, हमें इसको क्या करना है, कोई और नाम दे देते हैं. इसको हमने नाम दे दिया सूरज. ठीक है, और ये स्टूडेंट आईडी ही हमारी प्राइमरी की होगी. ठीक है, क्लोज करते हैं. यहां पे देखिए प्राइमरी की का शाइन बन चुका है. ठीक है, अब यहां पे हमें क्या क्या देना है, जैसे सपोज कीजिए हमें देना है स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम, आपको एक बेसिक आइडिया इससे हो जाएगा कि Libre डेटाबेस में कैसे काम करना है. धीरे धीरे करके हम आगे भी बढ़ेंगे. यहां पर टेक्स्ट कैरेक्टर रहने देते हैं. अगर आप चाहते हैं कि कितने कैरेक्टर्स लिख पाए तो उसकी लेंथ यहां दे सकते हैं. जैसे मैं यहां पर 50 कैरेक्टर्स कर देता हूं नेम में. ठीक है, ये बगल में जो कॉलम बना हुआ है यह डिस्क्रिप्शन के लिए, यहां डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये किसके बारे में है. ठीक है, इसके बाद यहां पे जेंडर दे देते हैं. तो जेंडर में हम क्या करेंगे, जेंडर में हम देंगे, यहां पे एक डेटा टाइप है टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर, इसको हम दे देते हैं. ठीक है, और यहां पे यस कर देते हैं और इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देंगे, 15 कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे. अब यहां पे हमें क्या क्या देना है, इसके बाद हमें देना है एड्रेस. तो यहां पे एड्रेस मैं कर देता हूं. ठीक है, और एड्रेस में हम क्या देंगे, वेरिएबल कैरेक्टर ही रखेंगे. इसके बाद मोबाइल नंबर देना है, तो यहां मोबाइल नंबर कर देता हूं मैं. ठीक है, इसको भी वेरिएबल कैरेक्टर ही रखते हैं. सिटी और स्टेट दे देते हैं यहां पे. सिटी सेम डेटा टाइप रहेगा ये, और स्टेट. आगे की वीडियोस में और भी डेटा टाइप का हम जिक्र करेंगे और देखेंगे कि इनको हम कैसे यूज कर पाएंगे. यहाँ पे एड्रेस को भी यहाँ पे हम कर देते हैं. यहाँ पे एड्रेस में हम 50 रखते हैं, 100 नहीं रखेंगे, 100 काफी ज्यादा हो जाएगा. या आप रख भी सकते हैं 100, हम 50 ही रखते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. और सिटी का भी जो है यहाँ पे हम
required कर देते हैं, यानी इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते, यहां पे जो मेंशन करेंगे उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, यहां 50 कर देता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे स्टेट है तो ये भी यहां से यस कर दीजिए और यहां से 50 कर दीजिए आप, ठीक है। ऐसे करके हमने ये पूरा डेटा एंटर करा लिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है ताकि ये सेव हो जाए, ये सेव हो चुका है। अब हमें यहां पे क्लिक करना है, इसको क्लोज करना है। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहां पर देखेंगे सूरज नाम का ये डेटाबेस क्रिएट होकर हमारे सामने आ चुका है। अब इस पे डबल क्लिक करते ही ये यहां पे देखिए, जैसे कि एमएस एक्सेस में ऑटो फील्ड आता था, यहां ऑटो फील्ड आ रहा है। यानी कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आपको यहां डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं, वहां ऑटो नंबर आता था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा राम, ये नाम हो गया स्टूडेंट का, जेंडर हम दे सकते हैं यहां पे मेल कर दिया हमने, यहां पे एड्रेस दे सकते हैं न्यू कॉलोनी देवरिया, ये कर दिया हमने, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी इनका है, ठीक है, वो दे दिया हमने। इसके बाद सिटी दे देंगे, सिटी देवरिया। स्टेट दे देंगे यूपी, ठीक है। इसके बाद सेकंड नेम आ रहा है, तो यहां सेकंड नेम, अब देखिए यहां पे जीरो आ रहा है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर चीजें जीरो से स्टार्ट होंगी, यहां पे आप एक खुद से करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये फायदा है इसमें, ठीक है। एमएस एक्सेस में ये खुद से जनरेट करता था और एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है। तो यहां पे आप देंगे अजय, ठीक है। और यहां पर देखिए जेंडर इनका मेल हो जाएगा, यहां पे दुर्गेश लिखता हूं मैं, और ये भी मेल है, और इनकी जो सिटी है वो है नियर सुभाष चौक देवरिया, ठीक है, ये दे दिया हमने। इसके बाद यहां पे जो भी ये देवरिया कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे यूपी, तो ये हो गया। इस तरीके से हम डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां आएंगे तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टिंग कैसे करेंगे इसकी, तो यहां पे रखेंगे इसको, ठीक है, और यहां पे क्लिक करेंगे तो ये अब कह रहा है फील्ड नेम देने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम कौन से फील्ड से शॉर्टिंग करना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम से करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे शॉर्टिंग करेंगे हम, ये तो हो गया। अब ये देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो रही है, देखिए, ठीक है। अब यहां पे ओके प्रेस करता हूं मैं, तो यहां देख सकते हैं ए वाला नाम पहले आ गया है, देख रहे हैं, और उसी के हिसाब से स्टूडेंट आईडी भी चेंज हो गई है, ठीक है। और ये सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। इसको यहां से थोड़ा ड्रैग करवा लीजिए आप, ताकि ये भी आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है। इस तरह से करके हम शॉर्टिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो कम से कम इतने के लिए आपको तो हेल्पफुल होगी ही कि आप इस पर बेसिक एंट्रीज करना सीख जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।